शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। दर्शकों, हर हर महादेव। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इन विशेष उपाय को कर लेता है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। कभी भी उसके घर में कोई भी समस्याएं नहीं आती हैं। आइए देखते हैं दर्शकों की यह उपाय आपको किस तरह से करना है। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो तीन बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्त्रोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। चार चीजों में कभी मत थकना। एक, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। दूसरा, विद्या अध्ययन पढ़ने में कभी मत थको, थकना नहीं और कुछ नया पढ़ने का। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना। और चौथे नंबर पर, कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना कि पूजनीय पंडित जी आपको बहुत ही सरल सा उपाय बताए हैं, जिस तरह से आप रोजाना महादेव की पूजा करते हैं, एक लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, उसी तरह से आपको एकादशी के दिन भी भगवान शंकर की शिवलिंग पर एक लोटा जल अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम् मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करना है। उसके बाद जल समर्पित करते समय आप अपने मुख से तीन बार स्वधा 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 शब्द बोल दीजिएगा। मात्र इतना कहने से महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरा कर देंगे। यह उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, कभी भी संपदा की कमी नहीं होती है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव उसके ऊपर बना रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। दर्शकों, जो भी हम आपको उपाय बताते हैं, पूजनीय पंडित जी की कथा सुनकर समझकर आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। इसलिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम् जरूर लिखें।